ये देखिए किसान भाइयों, आज यहाँ कृषि मेले में जो हमारे फादर हैं सोमवीर सिंह पूनिया जी वीडियो शूट कर रहे हैं, और ये इनका पोता इनके साथ में है वंश अंश पूनिया। और ये देखिए दोस्तों, ये देसी गाय हैं सफ़ेद, और ये साहिवाल नस्ल की गाय हैं, बहुत ही सुंदर और प्यारी गाय हैं। और किसान भाइयों, मैं सभी से ये विनती करना चाहता हूँ कि एक परिवार एक देसी गाय ज़रूर पाले, ये आने वाले समय में जो है बहुत ही बीमारियों का घेराव होता जा रहा है, तो देसी गाय का जो दूध होता है ये बहुत ही अमृत माना गया है। आयुर्वेद में भी देसी गाय को काफ़ी प्राथमिकता दी गई है, तो एक परिवार एक गाय देसी गाय अवश्य पाले, और अपने परिवार को जो है बीमारियों से बचाएं, और बहुत ही मतलब अपने परिवार को आप एक उपहार के रूप में भी एक गाय दे सकते हैं। जो ये देखिए देसी गाय हैं, ये प्योर शाहीवाल गाय हैं, और ये प्योर देसी गाय हैं, ये बहुत ही सुंदर और प्यारी गाय हैं। तीन गायें बैठी हुई हैं इधर। राम राम जी। हाँ जी, ये देसी गायें आप कहाँ से लाए हैं जी, कौन सा गांव है जी आपका? ये डिस्ट्रिक्ट इसार है। अच्छा जी। और गांव बगाना है। अच्छा जी, अच्छा। अच्छा जी, तो क्या नाम है जी आपका जी? मेरा नाम है राम नरसिंह, डिस्ट्रिक्ट भिवानी गांव तालू से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा। और एक ये गाय है जो ड्राइव में फर्स्ट आई है, ये गोलू खरकड़ा डिस्ट्रिक्ट रोहतक से है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और बढ़िया पशुपालक है, और देसी गाय के ये तो लगातार कम्पिटिशन जीतते आ रहे हैं, आज नहीं मतलब काफी समय से जी। मुर्रा या देसी गाय का तो एक हरियाणा से जन्नी मानो। हाँ जी बिल्कुल, नाम है जी। हाँ तो भाई बहुत बढ़िया, हाँ जी, मौका दिया है हमें किसी व्यक्ति ने, और हर साल देते हैं जी, आगे भी देंगे तो आने का जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किसान भाइयों, मैं सभी को ये विनती करता हूँ सभी किसान भाइयों से कि अपने परिवार में एक देसी गाय जरूर पाल लें, ये जो है आपका एक बहुत ही बड़ा जो है योगदान होगा आपके परिवार के लिए, और इनको जो है आयुर्वेद में भी इनके जो है मूत्र गोबर दूध घी को इनके एक औषधि के रूप में जो है माना गया है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, विनती है कि एक देसी गाय जरूर पाल लें। सबसे बड़ी हमारे लिए या पशुपालक भाइयों के लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे इस टेंट में 8 पशु हैं जी, 4-5 दो भी साथ ले रहे हैं जी, मतलब फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन में रहेगा हमारे सभी पशु जी जी जी। हाँ, कोई भी हमारा पशु पार्टिसिपेट किया है मतलब पोजीशन ली है बाद में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रतियोगिता में खड़ा होना भी जी बहुत बड़ी बात है, और हम रहे भगवान की दया से आप जैसे भाइयों के सहयोग से जी, मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन रही हमारे 8-9 पशु जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।